गिर गया। जाग बन गया, बचपन में बहुत खेलता था जाग के साथ, तो कभी कभारी गलती है। तो हेलो और सब यूट्यूब गाइस, वेलकम बैक न्यू एपिसोड। भाई लोग आप सब कैसे हो? मेरे हालात तो कुछ ऐसे ही। तो अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए 5 बजे। तो अभी शाम के 5 बजने वाले हैं, जस्ट अभी रिलैक्स करके उठाई था मैं, और अभी मम्मा मेरे लिए बकरे का सूप बनाने वाली है। कहते हैं कि काफ़ी हेल्दी होता है, तो मम्मा अब बना रहे, तो मैंने कहा चलो बना लो अब, ठीक है। तो इतने दिन बाद मैंने सोचा कि आज मैं अपना हेलमेट भी वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि जब से मैंने वो हेलमेट खरीदा है ऑलमोस्ट मुझे हो गया 1.5 साल, और 1.5 साल में मैंने एक बार भी उसको वॉश नहीं करा। तो आज अपने हेलमेट को वॉश करेंगे और देखते देखते कितनी गंदगी निकलती है। तो आपको अभी हेलमेट दिखा देता हूँ कहाँ पर है। तो ये रहा अपना हेलमेट, और उसको निकालते हैं अपना हेलमेट को। तो ये रहा अपना हेलमेट, और बहुत टाइम से ना मैंने कभी से धोया नहीं, और सच बोलो तो अब जाके मौका मिला इसको वॉश करने का, तो सोच रहा इसको वॉश कर लेते हैं। और सीटी को अवॉइड करना प्रेशर कुकर के, क्योंकि बकरा बन रहा है, बकरे का सूप बन रहा है, तो सीटी बज रही है, सीटी ने बीटी वाली। तब इसको इसकी पैडिंग खोलते हैं, फिर बताते हैं कैसे वॉश करते हैं इसको। पहले इसका ना ये खोल लेते हैं, ये होता है ना बेल्ट, इसको खोल लेते हैं। तो इसकी बेल्ट भी ना थोड़ी सी ना वैसे अच्छी भी है नहीं भी है, क्योंकि जिनको नहीं पता होता इसकी बेल्ट कैसे खोले, उनसे खुलेगी नहीं, जिनको पता है वो तो खोल ही देते हैं। अभी आपको इसका दिखा देता हूँ एग्जांपल है कि कितनी बुरी हालत हो चुकी है इसकी बेल्ट की। तो ये देख रहा हूँ, इससे आप पता लगा सकते हो कि मैंने कितने टाइम से इसे धोया नहीं है, मतलब पूरा मैल ही मैल चढ़ गया है। तो अब इसकी पैडिंग खोलते हैं। सबसे पहले ये खोला, फिर यहाँ ये भी खुल गया। तो देख रहे हो कितना गंदा है यार ये। तो आज इसको वॉश ही करूँगा, बिल्ले बैठे देखो बिना पैडिंग के कैसा लगता है हेलमेट। और कुछ खुलता है इसमें देखूं? नहीं ये भी नहीं खुलता, ये भी खुल गया, ये भी खुल गया, अब ये रह गया। क्योंकि शुक्र हो गया, तो आज इसको भी वॉश कर देंगे। तो ये देख लो अपना नंगा हेलमेट, कुछ ऐसा दिखता है नंगू पंगू हेलमेट। हाँ भाई आज तेरी धुलाई होगी, सॉरी इन पैडों की धुलाई होगी। इसको रख देते साइड, अब चलते हैं। एक मिनट, डंडी कहाँ है तू? चलो हाँ। ओए लग गया। तो छोटा सा पात्र, मैं गरीब घर का छोटा सा पात्र, गिर गया, मेहनत लगी। तो सर्फ निकालते हैं, ये है सर्फ टंटा, और अब इसको इसमें डालते हैं, ठीक है। जब को हटा लो, क्योंकि ज़्यादा पानी तो यूज़ करना नहीं है, तो इसको पैड्स को मतलब चार ही तो पैड है, तो ज़्यादा क्या यूज़ करना है। ये वो है ना सर? हाँ सर। तो पीछे की जो सीटी आ रही है प्रेशर कुकर की, इसको अवॉइड करना प्लीज। तो अभी अप्पा क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सर को बुलाएंगे, ताकि इसमें थोड़ा झाग दिखने बन जाए। वैसे हमारे घर पे हम वॉशिंग मशीन है, पर मैंने कहा छोड़ यार क्या करना, छोटे से तो चार तो हुआ है पैड,
तो क्या वॉशिंग मशीन लगाना, क्या वॉशिंग मशीन चलाना। पैड डालते हैं, ये गया पहला पैड, ये गया दूसरा पैड, तीसरा, चौथा। अब उनको डुबो देते हैं। पंद्रह मिनट के लिए छोड़ देते हैं, 15 या 20 मिनट तक। उसके बाद जब उसका थोड़ा सा मैल मूल उतर जाएगा, उसके बाद बाहर निकाल के थोड़ा ब्रश ब्रुश मार के इसकी सारी मैल निकालेंगे, ठीक है, जो 2 साल से जमा थी। तो ये इसमें मगर अपना चिकन सूप। अरे बंद कर, कितनी सीटियां मारेगा तू, मत कब तक तैयार होगा? ठीक है, तो अभी 3-4 सीटी बजने के बाद फिर अपना चिकन सूप बनेगा। शट अप। ब्लॉग बनाते में वक्त कुछ पीछे से नॉइज आती तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, सच बोल तो। हाँ मैं थक गया, चलो। तो मम्मी की मैं हेल्प इसलिए नहीं कर रहा ले रहा क्योंकि मैंने मम्मी को खुद मना करा है कि हाँ अभी ये मैं काम खुद करूँगा पूरी सेफ्टी के साथ। इसलिए मम्मी ने बोला चल ठीक है, कुछ जरूरत पड़ी तो मुझे बता दियो, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अभी अभी तक तो कोई जरूरत नहीं पड़ी और पसीने आ गए। नेक्स्ट मॉर्निंग सच में हो चुकी है और बारिश पड़ चुकी है। और ओए काकी तू क्या कर रही है? मेरे वो कहाँ पर है हेलमेट के पैड्स? जाओ उसको उठाओ, बारिश होना स्टार्ट हो गया। ये तू यहाँ पर क्या तारे तुरे तोड़ी जा रही है? लो बाइक को देख ले काकी, अच्छे से ले जाना, ठीक है। तो ये मेरी भांजी थी, वो मेरी सिस्टर है, काम धाम करती नहीं है, कभी कभार ही करती है, आज पता नहीं कैसे करी, यही नहीं समझ आ रहा। तेरी मम्मी काम नहीं करती है ना? ओए काकी, ओह चलो फिर अंदर चलते, बारिश सपने स्टार्ट होने लगे। तो कल हुआ एक मिनट, कल तो हुआ क्या है कि जैसे मैंने वॉश कर दिया पैड्स को, तो जैसे हमने सुखाने के लिए तो जल्दी रात हो गई, तो वीडियो अच्छे से बन नहीं पाई। तो मैंने कहा अगले दिन वीडियो बनाते हैं, पर हमको क्या पता था यहाँ पर बारिश हो जाएगी फिर से सुबह। काकी तूने करवाई ना बारिश, तूने करो। अरे हाथों में कौन पहनता है ये मास्क, हाथों में कौन पहनता है? क्या इधर आ। मुंह हाथ तो धो लेती मामू, अगर मुंह हाथ नहीं धोया तो तू तो धो लेती। इधर आ, और खाना भी नहीं खाया। वीडियो बना रहा मैं पागल, तू पागल बक कैसे? नहीं मैं नहीं खाता, मैं तो ये घास फूस खाने वाला लगता हूँ। गाइस मेरे मामू का चैनल, अरे थोड़ा जोर के बोलना, वैसे तो चिल्लाती रहती है। अच्छा हाँ बोल, मेरे मामू का चैनल, मामू का चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, सूखे तो है नहीं ये, अभी भी गिल्ले ही पड़े हुए, तो अंदर ही जाके सूखेंगे। चलो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं क्योंकि बारिश होने स्टार्ट हो गई और रात से सूखे नहीं, उनको टाइम चाहिए और तगड़ी धूप चाहिए सूखने के लिए, और अभी तगड़ी धूप आई नहीं और बारिश चल रही है। चलो तगड़ी धूप आने का वेट करेंगे, तब अच्छे से सूखेंगे। अगर नहीं सूखे जल्दी तो हम वॉशिंग मशीन के अंदर डाल के इसको जल्दी सूखवा देंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद। मिलते हैं, और ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना।